मार्केट रिसेंटली बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो गई है, और इस क्रैश के पीछे का क्या रीजन है, अब कौन से कॉइन ट्रेड आपने नहीं करने जो कि रिस्की हो सकते हैं, कौन से कॉइन ट्रेड करने हैं, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या मजीद गिर सकती है, ये कब ऊपर जाएगी, ये सारे सवाल आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो लाजमी एंड तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि ये चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका फायदा होगा, ये बात आपको आगे चलकर भी पता चल जाएगी। अच्छा जी, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि SEC ने सबसे 3 से 4 दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि हम ये जो चंद कॉइन है इनको हम सिक्योरिटी में कन्वर्ट करें। अब सिक्योरिटी क्या चीज होती है, XRP का आपको पता होगा, 3 साल पहले XRP पर केस हुआ, 3 साल नहीं ज्यादा हुआ है कि ये जो है हम सिक्योरिटी को क्लेम करें। XRP ने उस पर केस किया और ये केस चलते चलते 4-5 साल हो गए, ये केस आज तक खत्म नहीं हुआ, और आज XRP की प्राइस जो आप देख रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए। XRP की जो असल प्राइस थी वो थी $2.50 से $3, तो इन्होंने इसको सिक्योरिटी क्लेम कर बैंकिंग सिस्टम का बहुत अच्छा कॉइन था ये हटा दिया, सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने लग गए, तो XRP तबाह हो गया। तो SEC ये क्लेम करता है कि भाई हमारे पास जो है ये सोल, मैटिक और अडा और इसके अलावा जो कॉइन्स हैं ये सिक्योरिटी हैं, ये कमोडिटी नहीं है, लाइक कमोडिटी में बिटकॉइन आता है, आपका गोल्ड आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो SEC कहती है कि भाई नहीं, इस पर आपका काम नहीं, इलीगली आप इसको ट्रेड कर रहे हो, ये हमारे अंडर आते हैं, तो आप इसको ट्रेड करना बंद करो और हम जो है इसको क्लेम करते हैं कि ये सिक्योरिटी है। आपको पता है कि गैरी गैंसलर जो SEC का वो है, उससे पूछा था अभी कांग्रेस में कि एथेरियम इज अ कमोडिटी और अ सिक्योरिटी, उसकी फटके चार हो गई थी, वो जब कुछ बोल ही नहीं पा रहा और अटकने लग गया, मैंने क्लिप भी लगाई थी लास्ट अपनी बिटकॉइन अपडेट्स में। तो इसी तरह से अब उससे ये पूछा गया कि ये वाले कुछ कुछ कॉइन्स थे। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये जो गैरी गैंसलर ना ये पहले लेक्चर्स देता था, क्रिप्टो का प्रोफेसर था, कभी कहता था एल्गोरेंट बाय करो, कभी ये बाय करो, मतलब हर एक कॉइन के ब्लॉकचेन के फायदे वगैरह बता रहा होता था, और आज ये क्रिप्टो के अगेंस्ट रहता है, इसको फ्रॉड कहता है, ये कहता है। और मैं आपको शर्त के साथ कहता हूँ, शर्त के साथ ये बात मैं बल्कि प्रूव भी कर चुका हूँ अपनी कुछ पिछली वीडियोस में कि ये सैम के साथ मिला हुआ है, इसने सैम के साथ पर्सनल मीटिंग्स की हैं, इससे पैसे खाए, और ऐसे ही CZ के साथ भी एक बार पकड़ा गया था, चाय कॉफी के पता नहीं क्या कर रहा था, तो वहां पर भी पकड़ा गया था कुछ मीटिंग्स करते हुए, तो ये सारे जो है मिले हुए। अब मैं आपको, अच्छा आपको पता है सैम भी अभी नहीं है, सैम को छोड़ दिया, उसने इतना बड़ा वो किया है, बस थोड़ा बहुत मजाक हुआ, पकड़ा इसको छोड़ दिया, उसके पास पॉलिटिकल पावर थी, छोड़ दिया। अब बताता हूं कि ये सीन होगा क्या, आगे क्या करना चाहिए। आपने क्रैश देखा मैटिक का, सॉल का और एडीए का, और इसके अलावा सब मार्केट क्रैश हो गई, मतलब ऑल्ट्स तो तबाह हो गए, 2.5% बिटकॉइन गिरा टोटल, और ऑल्ट्स इतने ज्यादा गिर गए कि आप सोच नहीं सकते, मतलब आप अंदाज़ आप बोलो कि यार ये क्या हुआ है, मतलब क्या करूं मैं तो खुद हैरान हो गया था, मतलब क्या हो क्या गया, ये ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने रिसर्च की, अच्छा मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप में एक वॉइस की थी कि यार US और Binance.com बिल्कुल अलग है, हम जो ट्रेड करते हैं वो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ट्रेड हो रही है, उससे US का कोई ताल्लुक ही नहीं है, US ना उसको बंद कर सकता ना उसके बारे में कुछ कह सकता, क्योंकि वो US से ट्रेड नहीं हो रही, ऑपरेट नहीं हो रही, वो जो जितना भी कुछ हो रहा है इधर, जो कुछ चल रहा है वो Binance US में चल रहा है, जितने कॉइन डीलिस्ट हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है बंद कर देंगे, फ्रीज हो रहे हैं, इधर US पे हो रहा है, सही है, वो भी कुछ कम, उनके फंड्स भी कम है, इधर वाली जो है इस पे कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ये बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जो दीवार है ना ये US की, इसने क्या किया, इसकी काफी कंपनीज थी, बहुत ज्यादा कंपनीज थी, तो इन्होंने ना अपने आप को लीगल एक्शन से बचने के लिए ऑल्ट्स कॉइन पर सेल प्रेशर डाला, पता नहीं इतनी ज्यादा वर्थ के मिलियंस ऑफ डॉलर के ऑल्ट कॉइन सेल मार के आउट हो गए, इनकी वजह से जो है ये डंप आया मार्केट में, और हमें ये पता चला है कि कौन से प्रोजेक्ट सेफ हैंड्स में और कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमें ट्रेड नहीं करने, अब बुल रन के लिए कौन से प्रोजेक्ट सेफ हो सकते हैं, और सारी चीजें हमने आज सीखा, ये सबक लिया कि ऐसा भी होता है, बिटकॉइन 2.5% गिरा है, हमेशा ऐसा होता है कि बिटकॉइन भी बहुत बुरा क्रैश होता है तो ऑल्ट्स क्रैश होता है, आज तो ऐसा हुआ बिटकॉइन 2.5% गिरा है और ऑल्ट्स तबाह बर्बाद हो गए। डोडो को आप हाल देख लें, डोडो कहां पर आ गया, मतलब 60-70% गिर गया, उसको तो छोड़े, BNX 0.40 पे था, विद इन 5 मिनट्स देख रहा हूँ 0.19, यानी अगर आपने 100 का लिया तो 1 मिनट में आपके $50 रह गए, BNX में ये हाल हुआ है। इसके अलावा आपने मैटिक देखा, सॉल देखा और अडा देखा, सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए, जबकि इनकी अपनी चेन्स है, अपना इको सिस्टम है, सारी चीजें पीछे चल रही हैं, बट छोटी सी चीज इतनी सी अपडेट के पीछे, और रिएक्शन फौरन नहीं आया, उन्होंने क्लेम किया भाई सारी चीजें हुई, पेपर वर्क हुआ, सब कुछ हुआ, 3 दिन के बाद वो भी सुबह सुबह डंप मार दिया, और इतना बुरा डंप, तबाह बर्बाद। इसमें कोई टेक्निकल सामने नहीं आता, कोई टेक्निकल आपका साथ नहीं था, इसमें आपकी दो चीजें काम आती हैं, एक ऑन चेन डेटा एनालिसिस और एक आता है फंडामेंटल एनालिसिस, अगर आपने ये किया हुआ है, ये परफेक्टली आपका चल रहा है तो फिर आप बच जाएंगे, बच तो कोई भी नहीं गया, मैं भी नहीं बचा, सीधी सी बात है भाई, कोई भी आपको ये खुलकर नहीं बताएगा कि मैं लॉस में हूँ, बट मैं जितना आप लॉस में हूँ उतना लॉस में नहीं हूँ, मेरा पोर्टफोलियो 5-6% डाउन है, जो मुझे पता है कि कैसे रिकवर करना है, मुझे पता है कि कब क्या फैसला लेना है, मुझे पता है कि कब क्या चीज़ देनी है, कब क्या चीज़ बेचनी है, तो मेरे लिए एक दिन की भी बात नहीं 5-6% रिकवर करना अपने वॉलेट का। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑल्ट्स में कम ट्रेड करता हूँ, बिटकॉइन और इथेरियम में अपने आप को रखता हूँ, जो कि सेफ है, जो कमोडिटी है। दूसरी चीज ये कि अब मुझे अगर कोई ऑल्ट्स बाय करना होता है तो मैं क्या करता हूँ,
बिटकॉइन और इथेरियम मेरे वॉलेट्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अब मुझे ये भाई ये ऑल्ट्स बाय करना है तो मैं बिटकॉइन के पेयर में बाय करता हूँ। अब मुझे क्या फायदा है इसका, आपने देखा होगा बिटकॉइन ऊपर जाता है तो ऑल्ट्स कॉइन ऊपर जाते हैं, अब जब वो ऊपर जाएगा तो मुझे ऑल्ट्स का ही प्रॉफिट होगा और मुझे बिटकॉइन का ही प्रॉफिट होगा, डबल डबल। बट मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, अगर आपको स्टेबल कॉइन से ट्रेड करनी नहीं आती, यूएसडीटी से कैसे करते हैं कैसे करते हैं, तो इसमें नहीं आना, ये सुपर रिस्की हो सकता है आपके लिए क्योंकि आपको पता नहीं है इन सारी चीजों का। तो बताने का मकसद ये है भाई, ये सीन हुआ था, इस तरह से सारी चीजें हुई थी, अब इन्होंने क्लेम कर दिया, तो भाई एक्सआरपी सॉरी सोल अडा और मैटिक और इन इस तरह के और जो कॉइन्स इन्होंने क्लेम किए, उन कॉइन्स से आपने बिल्कुल दूर रहना, ट्रेड नहीं करनी। अगर करी हुई है ट्रेड भाई तो उसको होल्ड करना तो मेरे ख्याल में बेकार होगा, होल्ड करना चाहो तो कर लो बट मेरे अकॉर्डिंगली इसका कोई अब जो है इतना खास वो नहीं होगा। अगर ये केस वेस करते हैं जीतते हैं लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस वगैरह लगाओ या फिर जो इसको ब्रेक इवन करो अगर करीब हो तो, वरना फिर इसको छोड़ दो फेंक दो कुछ भी नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, कुछ होगा तो देख लेंगे, बस ये कर सकते हो। बाकी जो अब जिन कॉइन में ट्रेड करनी है, जैसे कि भाई मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में सिग्नल दिया ओजी का, मैं देखना चाहता हूँ आपकी तरफ, मतलब आप लोगों के रिएक्शन क्या थे यार, आप लोग इतना पैनिक होते हो। मैंने कहा यार डोंट वरी अबाउट ओजी, काम डाउन कुछ नहीं होता, वॉइसिस में आपको समझा रहा हूँ कुछ नहीं होगा। मैंने सिग्नल दिया आपको 470 पर, मैं मानता हूँ 470 पर दिया, 385 पर आ गया, आप लोग पैनिक बाहर, डोंट वरी अबाउट बोले जा रहा हूँ। 385 पर डीसीए करो, डीसीए करवाया 435 आपकी एंट्री आ गई, 52% ऊपर गया, 52% 30% तो कम से कम हर बंदे ने बनाया होगा फ्री सिग्नल से। एपीटी दिया, एपीटी भी हिट हुआ, इसके अलावा मैंने एसआरएम दिया सदा बाहर सिग्नल 12% हिट, ऐसे दिए जाते हैं सिग्नल, ऐसे दिए जाते हैं, जितनी भी पिछली अपडेट्स में सिग्नल देता आ रहा हूँ बिटकॉइन की सारे के सारे हिट हो रहे हैं। आज की मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि आज डंप इतना बुरा आया हुआ है, आप क्या बाय कर रहा हूँ, और भी वर्ड्स के सिनेरियो ये भी हो सकता है, तो मैं कोई बात नहीं करूंगा इससे रिलेटेड कि क्या हो सकता है। बट मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप में ये चार्ट शेयर किया बिटकॉइन का, आप देख सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न बन रहा है 24,800, 25,300 इस लेवल से बाउंस हो सकता है, इस एरिया से बिटकॉइन बाउंस हो सकता है, और टीपीज आप जो है 27,000 तक रख सकते हैं इसकी बिटकॉइन की, और नीचे से भी इसको सपोर्ट मिल रही है, तो पैटर्न अच्छा बन रहा है, टेक्निकली बुलिश है यहाँ से बिटकॉइन, दोबारा से बाउंस के चांसेस है, और सारा कुछ मैंने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बनाकर सारा कुछ भेजा हुआ है आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं इसमें भी, इस हिसाब से भी कोई फैसला ले सकते हैं। बाकी ऑल्ट्स कॉइन में अगर आपको ट्रेड करनी है तो इस नहीं अगली बिटकॉइन अपडेट में करूंगा, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा चैनल को ताकि आपको अपडेट मिलती रहे हर एक चीज की, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी जितनी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा होता हूँ भाई, मैं पेड ग्रुप में भी, किसी कोई पेड ग्रुप में भी देगा अपनी, इतनी अपडेट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा होता हूँ, इतनी एक चीज शेयर कर रहा हूँ, मस्ट आपने ज्वाइन करना, और फेसबुक कम्युनिटी में पोस्टें वगैरह करें, वहां पढ़े बहुत कुछ सीखेंगे, वहां पर जो लोगों के किस तरीके के सवाल आते हैं, लोग क्या सोचते हैं मार्केट को लेकर, बहुत सारी चीजें आप वहां पर सीखेंगे। फेसबुक कम्युनिटी भी मस्ट ज्वाइन करें, टेलीग्राम भी मस्ट ज्वाइन करें, पर्सनल क्वेश्चन हो कोई, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, इससे बिल्कुल भाई वालेकुम सलाम, सब मैं अभी कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है इंस्टाग्राम पर, आओ फॉलो करो और क्वेश्चन पूछ लो, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पर आप जब चाहो क्वेश्चन पूछ सकते हो, विद इन फ्यू आवर्स आपको वहां पर जवाब मिल जाएगा। बट फालतू सवाल ना पूछना, ये कब ऊपर जाएगा, इसका क्या करूं, ये लिया हुआ ये नीचे जा रहा है, कोई काम का सवाल हो तो आप वहां पर इंस्टाग्राम पर अगर पूछ सकते हो, तो ये मेरी आईडीज है। बाकी आपको बिटकॉइन का मैं बता चुका हूँ, कौन से कॉइन्स पर ट्रेड नहीं करने को बता चुका हूँ, कौन सा कॉइन ट्रेड करना चाहिए इट्स अप टू यू, अभी इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। बिटकॉइन अपडेट बता दी कि डंप क्यों आया ये बता दिया, वर्स के सिनेरियो का बता दिया क्या होगा, तो और भी अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी भी अपडेट्स आपको आने वाली वीडियोस में देता रहूंगा, तो मुझसे अपडेटेड रहने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।